कि ये जो होता है ऐसे क्यों एड करता है इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सो की दिवन हेयर इज स्पेक्ट्रम। सो वी हैव इज स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायो कंट्रोल एजेंट सो ये ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका जो टारगेट होता है वो काफी लिमिटेड होता है एंड पर्टिकुलर इंसेक्ट्स या फिर पर्टिकुलर पेस्ट रिलेटेड ही होता है सो so, इन इसलिए इनको हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं बिकॉज इनके जो टारगेट होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड टारगेट होता है एंड uh, लिमिटेड टारगेट में इधर हमारे इंसेक्ट्स आते हैं या फिर हमारे पेस्ट आते हैं सो so, अब अगर हम देखें uh, ये जो होते हैं दे डू नॉट टारगेट आर नॉन टारगेट सो जो हमारे नॉन टारगेट स्पीशीज होती हैं जो इनका टारगेट जनरली नहीं होते हैं ये उनको टारगेट नहीं करते हैं एंड वो कोई हार्म नहीं करते हैं ना अगर हम लोग ऐसे ऐसे वायरसेस की बात कर लेते हैं तो हमारे ऐसे वायरसेस के एग्जाम्पल्स में आते हैं न्यूक्लियो पोली हेड्रोवायरसेस सो न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरसेस जो होते हैं ये हमारा एक काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है जो इस चीज़ में यूज होता है एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज एज अ

बेक्यूलोविडी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये अगर हम इनकी टारगेट की बात करते हैं तो ये एक तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं सो दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट होता है जो कि होता है हमारा कैटापिलर्स सो so, इनका जो स्पेसिफिक टारगेट होता है वो होते हैं कैटापिलर्स कैटापिलर्स जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे ऑर्डर लेपीडरा सो ये ऑर्डर लेपी से बिलोंग करते हैं एंड फाइलम अगर हम इनका देखें तो फाइलम होता है हमारा आर्थ्रोपोडा सो ऑर्डर इज लेपी एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि एनपीवी वायरसेस की सो ये जो हमारे वायरसेस होते हैं ये काफी स्पेसिफिक होते हैं ये हमने अभी देखा एंड ये जो होते हैं दे हैव दे हैव शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट सो अदर थिंग्स पे जो मतलब जो इनके टारगेट नहीं है ये उनको uh, हार्म नहीं करते हैं सो दे शो टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स मैमल्स बर्ड्स बर्ड्स इवन फिशेज सो जो इनके uh, टारगेट नहीं होते हैं ये उनको हार्म नहीं करते हैं सो लेट्स जितनी भी हमारी नॉन टारगेट चीजें आएंगी वो इनकी हार्मलेस रहती हैं एंड दे ओनली टारगेट दो स्पेसिफिक इंसेक्ट और पेस्ट सो अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पेस्ट मैनेजमेंट की सो so, सेकेंड में हमें बोला गया है दैट जो हमारा पेस्ट मैनेजमेंट है आई पी एम है उसमें ये कैसे एड करते हैं सो so, जो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो सबसे पहले होता है कि ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है सो वॉट एपन्स इज कि ये जो होते हैं ये लिमिटेड रेंज में ही एक्ट करते हैं सो एन पी वी जो होते हैं ये लिमिटेड रेंज में एक्ट करते हैं एंड दे ओनली हार्म कैटरपिलर्स एंड अदर देन दैट ये नॉन टारगेट फीशीज को कोई हार्म नहीं करते सो नो हार्म नो हार्म टू नॉन टारगेट स्पीशीज़ तो नॉन टारगेट स्पीशीज़ जो होती हैं वो सेफ uh, रहती हैं इवन इंसेक्ट्स भी इन नॉन टारगेट होते हैं तो वो यहाँ पर सेफ रहते हैं आ, इस वजह से ये जो है ये हमारा एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं बिकॉज ये अदर देन कैटापिलर्स अपने स्पेसिफिक टारगेट के अलावा ये किसी को भी हार्म uh, नहीं करते हैं देयरफोर ये काफ़ी सूटेबल रहते हैं वट एपज इज के दे आर डिजायरेबल एज बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बींग सो ये इसलिए भी डिजायरेबल होते हैं बिकॉज जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो इनके नॉन टारगेट स्पीशीज हैं वो यहाँ पर कंजर्व रहते हैं उनको कोई हार्म नहीं हो रहा होता है एंड दे एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सो ये जो होते हैं ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम आई भी बोलते हैं ये उसमें एड करते हैं सो so, इसलिए हम लोग एनपीवी को मोस्ट कॉमनली चूज करते हैं अः uh, ये हमारा प्राइमरी रीजन होता है ना वट कि अगर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अदर देन स्पेसिफिसिटी एनपीवी जो होते हैं इनके वजह से देअर इज यूज रिड्यूस्ड केमिकल यूज सो हमारे जो एनपीवी होते हैं इनके वजह से जो हमारे पेस्टिसाइड्स uh, का यूज है वो काफी डिक्रीज हो गया है Uh, earlier we used to have pesticides for caterpillars but now we can use uh, NPV and एंड एनपी वी के uh, use करने की वजह से जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो काफी रिड्यूज हो गए हैं बिकॉज कैटोपेलर्स uh, को तो हमारा uh, जो एनपी है वही किल कर देगा एंड वी डोंट हैव टू यूज पेस्टिसाइड्स फॉर कैटापिल सो देोर केमिकल केमिकल यूज जो है वो काफी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है नाउ दर्ड पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी अब बिकॉज ये एक नेचुरल वे है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो ये जो है ये काफी सस्टेनेबल है सो दिस इज अचुरल मेथड एंड इसकी वजह से जो हमारा केमिकल यूज है वो भी रिड्यूज हो गया है सो केमिकल रिड केमिकल यूज भी जो है वो रिड्यूज हो गया है एंड ये जो है क्रॉप्स को फर्दर जो हमारे एनपीवी हैं ये हार्म नहीं करते क्रॉप्स और एनवायरमेंट जो होता है वो हमारा सेफ रहता है सो इट स्टेज सेफ नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की सो अ फोर्थ पॉइंट वुड बी कंपैटिबिलिटी नाउ इनमें देखा जाता है कि ये बाकी मेथड्स के साथ भी काफी कंपैटिबल होते हैं ना वट इज के uh, ये जो एनपीवी होते हैं इनको हम अलोंग विथ अदर आई पी एम मेथड्स अदर आई पी एम मेथड्स के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं एंड ये जो होता है ये ओवरऑल uh, जो है एफिकेसी को ही इम्प्रूव करेगा बिकॉज ये काफी कम्पैटेबल होता है बाकी मेथड्स के साथ सो बिकॉज ऑल्सो ये इंटीवी जो होते हैं ये अदर नॉन टारगेट स्पीशीज को बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करते हैं सो देअो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक